शराब और ऐश्वर्या के मामले में अब उनके जीजा चिरंजीवी भी कूद पड़े हैं। जी हां, चिरंजीवी भी इस मामले में खुलकर बोलते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेने के लिए पटना के फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और उनकी शादी को लेकर हर रोज बड़ी बातें सामने आ रही हैं। तलाक के मामले पर अपने परिवार का समर्थन उनकी पत्नी ऐश्वर्या को मिलने के बाद तेज प्रताप कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गए थे। हालांकि अब तेज प्रताप सामने आ गए हैं, लेकिन पत्नी से तलाक की बात पर कायम हैं, अडिग हैं कि उन्हें तलाक चाहिए। इस बीच तेज प्रताप यादव के जीजा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीवी राव ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव के जीजा चिरंजीवी राव ने इस मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मीडिया बेवजह इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी हुए अभी 6 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और 1 महीने पहले ही पूरी कहानी लिखी जा चुकी थी। अक्सर पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव तो होना आम बात है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच भी मामूली पारिवारिक मनमुटाव है। तेज प्रताप यादव की रुचि शुरुआत से ही धार्मिक कार्यों के प्रति रही है। तेज प्रताप धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, जो कि बेहद सामान्य बात है। परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। ये हमारे परिवार का निजी मामला है, इसे इतना तूल देना सही नहीं है। चिरंजीवी राव हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। चिरंजीवी की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का यादव के साथ 24 अप्रैल 2012 को हुई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान चिरंजीवी राव से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई थी। चिरंजीवी हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। महज 17 साल की उम्र में चिरंजीवी NSUI के सचिव पद पर नियुक्त हुए थे। चिरंजीवी फिलहाल पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने बताया कि यहां से वो सीधे बिहार जाएंगे। इससे पहले तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने अपने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और इन तमाम मुद्दों को रखा था, लेकिन चिरंजीवी जिस तरीके से इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं, इसमें कई सवाल ने जन्म ले लिया है। क्या सभी चाहते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए? हम आपको बता दें कि यह मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लालू प्रसाद यादव की बीमारी काफी बढ़ गई है। तेज प्रताप यादव के तलाक संबंधित खबरों के सामने आने के बाद से ही लालू यादव बेहद परेशान है और उनकी बीमारी भी बढ़ गई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कौन सा मोड़ आता है। आप अपनी प्रतिक्रिया दें और बहुत सारे सुझाव दें, क्योंकि इस वक्त बिहार की बहू का सवाल है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।